फ्रेंड्स, आई एम लेना एंड यू आर वॉचिंग साई बाबा इन्फोटेक चैनल ट्रेडमार्क ऑफ नॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या कंफ्यूजन होता है। फ्रेंड्स, फ्यू अ फ्यू, लिटिल अ लिटिल, ये आप लोगों ने काफ़ी बार इसको देखा है या काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर आप बोर्ड क्लास के एग्जाम देने वाले हैं तो उसका भी ये फेवरेट टॉपिक है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, एरर्स के लिए आते हैं और डू एज डायरेक्टेड में आते हैं, काफ़ी आते हैं। फ्रेंड्स, इन चारों का ही मीनिंग होता है थोड़ा कुछ या फिर कुछ थोड़ा, ठीक है, लेकिन कब कौन सा लगाना है ये आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप लोग इतना ध्यान रख लो कि एक तो मैं इसका ग्रुप बनाऊंगी और एक मैं ग्रुप बनाऊंगी इसका। इसको नाम दूंगी मैं ग्रुप ए और इसको नाम दूंगी मैं ग्रुप बी, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स, आपको क्या याद रखना है कि जो बिना ए वाले हैं उनका एक ग्रुप बनाना है और जिनके आगे ए लग रहा है उनका ग्रुप अलग बनाना। जैसे फ्यू अलग, लिटिल अलग, अ फ्यू अलग, अ लिटिल अलग। चल अब फ्रेंड्स, ट्रिक कैसे याद रखोगे? ट्रिक देखो, सबसे पहले तो मैं फ्यू वाले परिवार की बात करती हूँ। जो फ्यू और अ फ्यू होते हैं फ्रेंड्स, उनका यूज़ अपन कब करेंगे? जब प्लूरल फॉर्म दी हो, यानी कि जब बहुवचन रूप में कुछ डेटा होगा तो हम वहाँ पे फ्यू और अ फ्यू लगाएंगे। ट्रिक नंबर वन, ठीक है। पहली ट्रिक देख के ही खुश मत हो, अभी और भी कुछ है, ठीक है। अब दूसरी ट्रिक जो है फ्रेंड्स, लिटिल और अ लिटिल की, ये हम कब लगाएंगे फ्रेंड्स? जब कोई अनकाउंटेबल चीज़ आपके पास हो, ठीक है। अनकाउंटेबल का मतलब तो पता ही है, जिसे काउंट ना किया जा सके, ठीक है। तो ये दो ट्रिक अच्छे से याद करो। चलो अगली देखो, थर्ड नंबर की ट्रिक। देखो, मैंने आपको बोला था ना कि मैंने दो ग्रुप बनाए हैं, एक वो जिनके साथ ए नहीं लग रहा, एक ग्रुप जिसके साथ ए लग रहा है। चलो, जिनके साथ ए नहीं लग रहा पहले उनकी बात करते हैं। फ्यू और लिटिल तब लगेगा जब सेंटेंस में ये दिख जाए कि आपका काम नहीं हो पाया है या आपका काम नहीं बना है। अब ये क्या झोल है? कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, ये इसका मतलब ये है कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनको पढ़ के हम समझ जाते हैं कि उस सेंटेंस में अपना काम हो पा रहा है या अपना काम नहीं हो पा रहा है। अभी एग्जांपल से समझ जाओगे, ठीक है। अब अ फ्यू और अ लिटिल, यानी कि जिनके सरनेम में, जिनके साथ में ये ए आता है ना, उन वाले की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। जिनके साथ ए लगा होता है ना साथ में पूंछ बन के, इनका क्या करेंगे? तो जिनके साथ ए आता है उनको तब लगाएंगे फ्रेंड्स जब सेंटेंस में ये दिख जाए कि काम हो गया है या अपना काम बन गया है। ये भी फ्रेंड्स मैं भी सेंटेंस समझाऊंगी, उसमें बता दूंगी कि कैसे काम नहीं होता और कैसे काम हो जाता है। चार ट्रिक फटाफट रिवाइज करो। चलो, फ्यू और अ फ्यू कब लगाओगे? प्लूरल फॉर्म्स में, ठीक है। लिटिल और अ लिटिल कब लगाओगे? अनकाउंटेबल फॉर्म्स में, ठीक है। फ्यू और लिटिल बिना ए वाले, बिना ए वाले जब काम नहीं होगा, ठीक है, और ए वाले जब काम हो गया होगा तब लगाएंगे। सेंटेंस पे बात करते हैं। चलो, मैं हिंदी में भी लिख रही हूँ। देखो, पेपर में हिंदी लिखी नहीं आएगी, लेकिन मुझे आपको ये सेंटेंस समझाना है इसलिए मैंने हिंदी लिखा। आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ही पेपर में मिलेगा, ठीक है। चलो, जैसे मैंने बोला कि यार मेरे पास थोड़ा पानी बचा है जो कि बांटने के लिए काफ़ी है। हम लोग साहब कहीं घूमने जा रहे हैं, अब मेरे पास बॉटल में इतना पानी है कि मैं किसी दूसरे को दे दूँ तो वो पी ले, ठीक है। तो मुझे ये बोलना है कि मेरे पास थोड़ा पानी बचा है जो शेयर करने के लिए काफ़ी है। शेयर मतलब आपस में बांटने के लिए। तो फ्रेंड्स, मेरे पास पानी बचा है, थोड़ा पानी बचा है। अब ये थोड़ा जो है ना, बस इसी को मैंने फिल इन द ब्लैंक्स के लिए छोड़ा है, ठीक है। इस थोड़े की अपन को बताना है कि क्या होगा। पहले इसकी अंग्रेजी कर लो। आई हैव डैश वाटर लेफ्ट, बचा यानी कि लेफ्ट, ठीक है। देयर इज इनफ टू शेयर, और वो क्या है फ्रेंड्स, शेयर करने के लिए काफ़ी है। अब देखो, कंडीशंस क्या कहती हैं? कंडीशंस ये कहती हैं कि पहले तो देखो कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये बताओ, क्या तुम पानी को काउंट कर सकते हो? कतई नहीं कर सकते। तो पहला तो ये है कि साहब पानी है अनकाउंटेबल। चलो इधर आओ जरा, अनकाउंटेबल है। अब अनकाउंटेबल है तो या तो लिटिल आएगा या फिर अलिटिल आएगा। अब कैसे पता चले लिटिल क्या अलिटिल? तो देखो, सेंटेंस में अगर तुम्हारा काम हो जाए या तुम्हारा काम बन जाए तो लगा देना इनमें से कोई एक, ठीक है, और नहीं बने तो फिर इनमें से लगाना। तो फ्रेंड्स, अभी आपने खुद बोला कि आपके पास इतना पानी है कि आप आसानी से
बांट सकते हो, शेयर कर सकते हो। यानी कि भैया जिसको प्यास लग रही हो उसका काम हो तो गया, पानी मिल तो गया, यानी कि आपका काम हो गया है। तो इसको तो हटा ही दे रहे, ये तो है ही नहीं। बच्चा कौन? अ लिटिल। देखो कितनी इजीली हमने इसका आंसर भर दिया, अ लिटिल। आ गया समझ में? चल, मेरे पास कुछ अच्छे दोस्त हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। कोई फ्रेंड आ जाता है, मेरे से दोस्ती कर लो, मेरे से दोस्ती कर लो। अपन कहते हैं भैया हमारे पास थोड़े से दोस्त हैं बट वो बहुत अच्छे हैं, हमें किसी नए दोस्त की ज़रूरत नहीं है। ये उसी तरह का है। तो मेरे पास कुछ अच्छे दोस्त हैं, तो कुछ की अंग्रेजी अभी मैंने छोड़ दी है क्योंकि वही आपका क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई हैव डैश गुड फ्रेंड्स, आई एम नॉट लोनली। ठीक है, अब देखो पहली बात तो ये कि यहाँ पे गुड फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते? क्यों नहीं गिन सकते यार, मेरे दो दोस्त हैं, मेरे तीन दोस्त हैं, दोस्त कब से अनकाउंटेबल होगा? यानी कि फ्रेंड्स दोस्तों को तो गिन सकते हैं अपन। यानी कि अब मुद्दा ये है कि ये काउंटेबल है, तो या तो फ्रेंड्स या तो इसमें फ्यू आएगा या फिर इसमें अफ्यू आएगा, क्योंकि ये काउंटेबल है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि क्या काम हो रहा है या नहीं हो रहा। यार आपके पास अच्छे दोस्त हैं, आप अकेले नहीं हो, अकेले नहीं हो मतलब आप खुश हो, मज़े में हो, आप आवाम हो गए, आपके तो बढ़िया मज़े हैं, अकेले हो लेकिन दोस्त हैं लेकिन अकेले नहीं हो ना, काम तो हो गया आपका। आप कहाँ दुखी हो, आप कहाँ रो रहे हो? आप खुद ही कह रहे हो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास तो थोड़े से दोस्त हैं वो बहुत अच्छे हैं। यानी कि फ्रेंड्स सेंटेंस में आपका काम हो गया है। ठीक है, किसी भी तरह की दुख वाली बात नहीं है, और जब दुख नहीं है तो अ फ्यू लगा देंगे। चलो, उसे थोड़ा ज्ञान है, मतलब वो ज़्यादा दिमाग वाला नहीं है, ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, उतना ही एवरेज स्टूडेंट है, वो लिख पढ़ नहीं सकता। ठीक है, होते हैं कुछ बच्चे पढ़ते पढ़ते हैं नहीं, इनको ज्ञानवान रहता नहीं, बिना लिख पाते ना पढ़ पाते हैं, मस्ती में रह जाते हैं। तो बस देखो मैं उस थोड़े की इंग्लिश छोड़ रही हूँ, वो अपन भरेंगे। उसे थोड़ा ज्ञान है, ही हैज़, अब डैश लगा दो एजुकेशन। ठीक है, नॉलेज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बहस मत करना कि नॉलेज लिखेंगे कि तुम्हें जो अच्छा लगे वो लिख लेना। ठीक है, ही हैज़ डैश एजुकेशन, ही कैन नॉट रीड एंड राइट। पहली बात तो मुझे ये बताओ, एजुकेशन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? भैया कोई तराजू आता है कि एजुकेशन को तोलने वाला? नहीं आता ना। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, ये क्या है? अनकाउंटेबल है। देख लो ये अनकाउंटेबल है, यानी कि लिटिल परिवार में से कोई आएगा। अब ए आएगा या सिंपल वाला आएगा वो अब आप देख लो। ठीक है, अब आपने बोला है कि ही कैन नॉट रीड एंड राइट, मतलब भाई साहब ना लिख सकते हैं और ना पढ़ सकते हैं, मतलब उनका काम कहाँ से हो जाएगा? ना लिख पा रहे ना पढ़ पा रहे, यानी काम नहीं हो पा रहा ना उनका। तो जब फ्रेंड्स काम नहीं होता है तो या तो फ्यू आता है या लिटिल आता है। अब अभी चूंकि फ्रेंड्स एजुकेशन अनकाउंटेबल है, यानी कि कौन सा आना चाहिए वैसे तो? अनकाउंटेबल है तो लिटिल परिवार का सदस्य आएगा, और दूसरी कंडीशन सही हो रही कि साहब उनका काम नहीं हो रहा, तो आप किसको लोगे? केवल लिटिल को, फ्यू तो भूल ही जाओ। तो बस ही हैज़ लिटिल एजुकेशन, ही कैन नॉट रीड एंड राइट। अगला एग्जाम्पल देखो, कुछ थोड़े लोग हैं जिन पर वह भरोसा करती है, ये दुख की बात है। फ्रेंड्स मेरी ज़िंदगी में बहुत गिने चुने लोग हैं जिन पर मैं भरोसा करती हूँ। अब आप लोग मेरे लिए दुख फील कर रहे होगे, यार बताओ इनकी लाइफ में थोड़े से लोग हैं जिन पर भरोसा कर सकती हैं, बाकी किसी पे तो भरोसा कर ही नहीं सकती, बड़े दुखी हो गए आप लोग, है ना? तो देखो फ्रेंड्स पीपल, ठीक है, थोड़े से लोग हैं जिन पर मैं भरोसा करती हूँ। यार मुझे पता है कि मैं मम्मी पर भरोसा करती हूँ, पापा पर भरोसा करती हूँ, अपनी बेस्ट फ्रेंड पर भरोसा करती हूँ। तीन लोग हैं, क्या मैंने गिन नहीं पा रही? गिन तो लिया। यानी कि फ्रेंड्स ये भले ही प्लूरल है ना, बट ये अकाउंटेबल तो है, है ना? आप किस पर भरोसा करते हो? आप अपनी मम्मी पे करते हो, अपनी बहन पे करते हो, पापा पे करते हो, भाई पे नहीं करते? यानी कि तीन लोगों पे तो करते हो ना, गिन पा रहे हो ना। तो बस हमने बोल दिया साहब हम गिन सकते, किस पर भरोसा करते हैं? तो पहली बात तो फ्रेंड्स ये काउंटेबल है, काउंटेबल है तो या तो फिर इसमें फ्रेंड्स फ्यू आएगा या फिर अफ्यू आएगा, मतलब फ्रेंड्स इनमें जो भी आएगा वो किसके परिवार से आएगा? फ्यू के परिवार से आएगा। अब देखो क्या जुगाड़ लग पा रही है या नहीं लग पा रही, कहाँ से लग गई? उसने ये बोला है, पूरा सेंटेंस ये है कि देयर आर डैश पीपल शी रियली ट्रस्ट, मतलब कुछ ही लोग हैं जिन पे वो भरोसा करती है। आगे की कहानी तो सुन लो, इट्स अ बिट सैड, ये दुख की बात है। अब देखो दुख हो गया कि यार उसके पास ज़्यादा लोग नहीं जिन पे वो भरोसा कर सके, काश सभी लोग ऐसे होते जिन पे वो भरोसा कर पाती, मतलब वो बेचारी की लाइफ में कुछ ही लोग हैं, और आपको दुख हो रहा है इस बात से कि यार सब पे भरोसा नहीं कर पा रही। यानी कि बंदी का काम क्या हो रहा है फ्रेंड्स? नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा तो ऑफ यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, वह लकी है, लकी मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, सौभाग्यशाली है, है ना? अपन कहते हैं ना वो लकी है, वो भाग्यशाली है, बस वही है ये। ठीक है, वह लकी है, उसके पास थोड़ी ही समस्याएं हैं। फ्रेंड्स वह लकी है, शी इज़ लकी, नाम भी होता है लेकिन यहाँ पर नाम नहीं, मैं भाग्य वाली बात कर रही हूँ। ठीक है, शी इज़ लकी,
फिर सेकंड बात क्या है, शी हैज़ डेस्क प्रॉब्लम्स। ठीक है फ्रेंड्स, देखो वो भाग्यशाली है, वो बहुत अच्छी लकी है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में थोड़ी सी समस्याएं हैं। ठीक है, थोड़ी सी समस्याएं का मतलब वो गिन सकती है, यानी कि वो गिन लेगी यार कि मेरी समस्या ये है कि मेरे पास मोबाइल अच्छा नहीं है, मेरी समस्या ये है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, बस पापा मोबाइल दिला दें, गाड़ी दिला दें, मेरे जीवन की समस्याएं खत्म। देख लो फ्रेंड्स, उंगलियों पे गिन लिया अपन ने उसकी प्रॉब्लम्स कितनी हैं, दो हैं। तो प्रॉब्लम्स वो गिन पाए ना, थोड़ी हैं तभी तो वो लकी है, बहुत सारी होती तो अपनी तरह अनलकी नहीं होती है ना। तो बस थोड़ी हैं तो लकी है, थोड़ी हैं मतलब गिन पा रही होगी बंदी, गिन पा रही है यानी कि अब तो या तो फ्यू आएगा या फिर अफ्यू आएगा। अब फ्रेंड्स देखो, प्रॉब्लम्स अच्छी हो चाहे बुरी हो, एक हो या दो, होती तो वो खराब हैं। खराब है इसका मतलब ये है कि बंदी को वो गाड़ी और मोबाइल परेशान कर रहा है, यानी कि उस बेचारी का काम नहीं बन पा रहा। तो शी हैज़ फ्यू प्रॉब्लम्स। वह पास नहीं हो सका क्योंकि उसके पास नोट्स नहीं थे। वह पास नहीं हो सका, ही कुड नॉट बी पास्ड, क्योंकि ही हैड डैश नोट्स। फ्रेंड्स मैंने ये जो एग्जांपल लिया है वो इसलिए लिया है, देखो ही कुड नॉट बी पास, वो पास नहीं हो सका बिकॉज ही हैड डैश नोट्स। अब देखो सबसे पहली बात तो ये कि नोट्स गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते, पहली चीज़। क्यों नहीं गिन सकते? हमारे पास नैना मैम के नोट्स हैं, हमारे पास शिवालय सर के नोट्स हैं, हमारे पास हमारे दीदी के नोट्स हैं, हमारे पास हमारे भैया के नोट्स हैं। गिन लो, चार नोट्स हो गए कि नहीं हो गए। तो फिर किसने कहा कि नोट्स नहीं गिन सकते? दैट मीन्स फ्रेंड्स, जो नोट्स हैं, बुक्स है, ये काउंटेबल है, इसको आप काउंट कर सकते हैं। चलो एक कहानी तो तय हो गई कि काउंटेबल है, तो जो भी कोई आएगा वो फ्यू के घर से आएगा। अब हाँ या ना, देखो फ्यू या फिर अफ्यू, देखो बंदे का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले तो ये देखो। अरे भैया कहाँ से हो रहा है, लुढ़क तो गए भाई साहब, हो तो गए फेल, लिखा आपने खुद ही तो बोला है पास नहीं हो सका। पास नहीं हो सके का मतलब क्या हुआ? फेल हो गए। फेल हो जाना कोई काम बनना होता है क्या? नहीं मेरे प्यारे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पे पास नहीं हो पाने का मतलब है कि वो बंदा फेल हो गया, उसका काम नहीं हुआ। और काम नहीं होता है तो क्या लगाते हो? फ्यू लगाते हो। ही कुड नॉट बी पास बिकॉज ही हैड फ्यू नोट्स। चलो ये टेस्ट क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करना। लास्ट में आंसर भी लिखा है, लेकिन शुरू से आंसर देके चीटिंग बिल्कुल मत करना, ठीक है? चलो ये आंसर्स भी लिखे हैं, क्वेश्चंस भी लिखे हैं, इनको प्रैक्टिस करना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। फ्रेंड्स जब भी कोई वीडियो देखो तो अगर उसके पार्ट वन पार्ट टू हो तो पहले उनको देखो, डायरेक्ट जो लेवल हाइक लेवल है उस पर मत जाओ, ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना कि कैसी लगी, और चैनल के साथ जुड़े रहो और घर में रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।